हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन लर्न केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है कोलवेज रिएक्शन। तो हम शुरुआत करते हैं कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन, ये कोलवेज रिएक्शन क्या होती है? इट इज ए काइंड ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस कोलवेज रिएक्शन के अंदर होता क्या है, एक फिनॉल सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले एक बेस लीजिए प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड लीजिए, बेस और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको रिएक्शन कराना है किसकी प्रेजेंस में, अप्रोक्सीमेट 400 केल्विन टेम्परेचर रखना है और 4 to 7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है। तो ये क्या होता है, ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है। कैसे कह रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड टूटता है तो ये बनता है नेगेटिव और कार्बन का पॉजिटिव, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल उससे पहले ये फिनॉल एक सॉल्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, सॉल्ट, क्योंकि बेस के साथ क्या काम करेगा, ये ओ एन ए बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल सीधा यहाँ इसके ऑर्थो पर अटैच करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ए, क्योंकि बेस डला हुआ है, बेस डला हुआ है इसलिए ओ एन ए लगेगा। और ये बेंजीन जैसे वैसे रहेगा। अब वहां से एच निकला और एक वहां से एच निकला, ये ट्वाइस ऑफ द एच टू ओ बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। ये एक क्या है, कोलवेज रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि CO2 का पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये ऑर्थो है। क्या पैरा पर नहीं लग सकता, पैरा पर लग सकता है, लेकिन ये कार्बोनाइल इस तरीके से जब इसके साथ सॉल्ट बन जाता है तो इसके साथ एफिनिटी रखता है, इस ग्रुप के साथ यानी ONA के साथ, तो ये यहीं आएगा और ऑर्थो पोजिशन पर अटैक होके मेजर प्रोड बनाएगा, ये मेजर प्रोड बनेगा, और ये क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये है सोडियम सैलिसिलेट, क्या बोलेंगे, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट जो बन के तैयार हुआ है, इसको क्या करना है, एसिडिफाई करना है HCl के साथ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ हमारे ये दो सॉल्ट, दो जगह हमारा सोडियम के सॉल्ट लगे हुए हैं, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि न्यूट्रलाइज होकर क्या बनेगा, OH और OH और ट्वाइस ऑफ द NaCl निकल गया। ये हमारा बन के जो तैयार हुआ है, इस प्रोडक्ट को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड को 2-hydroxybenzene कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, 2-hydroxybenzene कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। यानी कोलवेज रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि फिनॉल NaOH और CO2 आपस में रिएक्ट करेगा, और ये हमारा जो ट्वाइस ऑफ NaOH होना चाहिए, ये ट्वाइस ऑफ NaOH पहले हमारे क्या करते हैं, पहले सॉल्ट बना लेता है इसके साथ, और फिर ये सॉल्ट हमारे CO2 के साथ ट्रीट करके सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बना लेता है, सोडियम सैलिसिलेट को एसिडिफाई कराइए, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, और ये सैलिसिलिक एसिड है। इसको समझने के लिए, इस रिएक्शन को समझने के लिए आप इसकी मैकेनिज्म की हेल्प ले सकते हैं, किसकी, मैकेनिज्म,
तो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मतलब एक आसान तरीका है किसी भी रिएक्शन को समझने का, आप समझ सकते हैं उस रिएक्शन को कैसे हो रहा है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो फिनॉल है वो बेस के साथ पहले क्या काम करेगा, ये जो फिनॉल बन के तैयार हुआ है ये बेस के साथ क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल या सोडियम फिनॉक्साइड हम कह सकते हैं, इस तरीके से क्या कर लेगा, सॉल्ट बना लेगा। ये सो यानी कि इससे होगा क्या, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ये कह सकते हैं, और वाटर निकल गया पहले स्टेप में। अभी पहले स्टेप के अंदर बात पूरी नहीं हुई, यही सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल जिसे हम सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं, ये CO2 और बेस कंडीशन वही रहेगी, अप्रोक्सीमेट 400 केल्विन 427 ATM प्रेशर। तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ एफिनिटी होने की वजह से इसके साथ आगे अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जैसे ही अटैच हुआ तो ये क्या बना, सोडियम वहाँ से बेस की वजह से क्या मिलेगा, सॉल्ट Na मिल जाएगा, सॉल्ट बन गया, और ये ओ Na अपना लगा रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता वहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और H पॉजिटिव वाटर निकाल देगा, और ये बन गया क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इसे हम सोडियम सैलिसिलेट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। अब ये सोडियम सैलिसिलेट पहले स्टेप में बन के तैयार हो गया, पहले स्टेप में सोडियम सैलिसिलेट बन के तैयार हो गया, अब इसको क्या करना है, दूसरे स्टेप में इस सोडियम सैलिसिलेट को एसिडिफाई कराना है, यानी कि इसके जो सोडियम आयंस को रिमूव करना है, यानी कि इससे करना है ट्वाइस ऑफ द HCl के साथ ट्रीट करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बन के तैयार हो जाएगा, क्या बन के तैयार हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, और ट्वाइस ऑफ द NaCl बाहर हो जाएगा। ये है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हो रही है कि क्या हो रहा है कि पहले फिनॉल एसिडिक करेक्टर दिखाता है, बेस के साथ सॉल्ट बना लेगा, फिर CO2 प्लस ये NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, सोडियम सैलिसिलेट हमारा इसको एसिडिफाई कराइए, एसिडिफाई कराने पर क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, यही सीढ़ी यही क्या है, सैलिसिलिक एसिड है जो हमारा बन के तैयार हो गया, 2-hydroxybenzene कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको, क्लियर है, 2-hydroxybenzene कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है, आईपैक नेम आपको लिखा है सैलिसिलिक एसिड का। ये सैलिसिलिक एसिड हैज ग्रेट इंपोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसमें, मेडिसन लाइक एस्प्रिन सेलोल, तो ये हमारा इसका दूसरा इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड, ये नोट करके लिखेंगे, इसका जो नोट पॉइंट है वो नोट पॉइंट क्या है, सैलिसिलिक एसिड क्या रखता है, सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस Great importance in the field of कौन सा field of manufacturing of medicines like aspirin कहिए, aspirin सेलॉल एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये कुछ हमारा इम्पोर्टेंस रखता है, क्या सैलिसिलिक एसिड जो हमने बना के दिया है आपको, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है किसके फील्ड में, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द
तो हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ, क्या है नंबर एक, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम कैसे बनाएं, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, जिसको हम एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एसीटाइल, एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं एस्पिरिन को हम, सैली एसीटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी, इसको बनाना कैसे है, आप इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान, ठीक है, जो हमारा सैलिसिलिक एसिड बन के तैयार हुआ है, उस सैलिसिलिक एसिड को क्या करना है, या तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, या तो हम एच आयन्स H2SO4 की प्रेजेंस में ले लें, H2SO4 की प्रेजेंस में, या आप चाहो तो आप सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, या कर, ठीक है जी। तो बेसिकली ये एक एसिड का डेरिवेटिव है, और ये एसिड, अगर एसिड और एसिड के डेरिवेटिव आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये फिनॉल यानी कि एल्कोहल फिनॉल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और ये एक तरह से क्या होगा, वो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई वो नहीं है, और यहाँ ये एसिडिक एसिड जो हमारा है क्या होगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। आप यही नहीं, इसको क्या और क्या काम और करवा सकते हैं, और करके आप चाहो तो इसी को क्या, यानी इसी सैलिसिलिक एसिड को आप एसिड हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, एसिड हैलाइड के साथ। ये भी हमारा यही है, हम इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं रिएक्शन, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इससे होना क्या है, इससे हमारा ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, तो ये हमारे एल्कोहल के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, तो ये भी क्या करेगा, यही बनेगा इसके साथ, और ये क्या बन गया, एज ए एस सी एल बाहर निकल गया, और ये अपनी जगह पे एसिड ग्रुप लगा रहेगा। ये जो बन के तैयार हुआ है, ये जो बन के तैयार हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ही हमारा जो बन के तैयार हुआ ये एस्पिरिन है, क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरिन। इस एस्पिरिन का दूसरा नाम भी है, वो क्या है, एसीटाइल साइलिसिलिक एसिड, क्या है, एसीटाइल साइलिसिलिक एसिड, और एसीटाइल साइलिसिलिक एसिड, क्या कहेंगे, एसीटाइल साइलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन है। एस्पिरिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन द फील्ड ऑफ, किसमें, इट यूज एज, यानी एस्पिरिन कहाँ यूज होता है, एस्पिरिन का यूज भी देख लें, इट यूज एज, यानी कि एस्पिरिन कहाँ यूज होता है, इट यूज इन पेन रिलीफ, यानी कि यहाँ देखो हमने यहाँ बॉन्ड पूरे गलने पड़े, तो ये हमारे इस तरीके से, इट यूज इन कहाँ, इट यूज इन किसमें, बॉडी, मतलब एक तरह से हम कहें तो बॉडी पेन रिलीफ, बॉडी पेन रिलीफ, बॉडी पेन रिलीफ में यूज होता है, ठीक है जी, और एज ए एनल्जेसिक्स, एनल्जेसिक्स की तरह से भी यूज हो सकता है। एनल्जेसिक्स इज नथिंग, यानी कि एनल्जेसिक्स जब हम बोलते हैं तो वो हमारी बेसिकली बॉडी पेन रिलीफ ही काम करता है, यानी बॉडी का पेन रिलीफ करने में यूज होता है। तो ये ध्यान रखें क्या है हमारा सेल, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का यूज, और इसको कहाँ किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इस चीज़ को समझें, यानी कि इसका यूज कहाँ हो रहा है, इस चीज़ को समझें, इम्पोर्टेंस कहाँ है, इस चीज़ को समझें।
अब हम बात करेंगे इसका फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किस तरीके से हमारा ये दूसरा इंपॉर्टेंस है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ किस तरीके से बनाते हैं, आप इस चीज को देखें, यानी कि सैलिसिलिक एसिड, किसको, सैलिसिलिक एसिड को, सैलिसिलिक एसिड को, जो हमारा क्या है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सैलिसिलिक एसिड है, इसको फिनॉल के साथ ट्रीट करना है। किसके साथ, फिनॉल के साथ। अब देखो फिनॉल एक एल्कोहल और ये फिनॉल आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है जी। इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब एक थोड़ा सा एच आयन H2SO4 की पड़ सकती है, या POCl3 स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है जी, POCl3, ठीक है जी, इस तरीके से करा सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल देगा और ये एक फिनॉल, और ये फिनॉल तो आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, तो कहाँ रिएक्ट करेगा, ये एक एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन देगा, यानी यहाँ इसके साथ आके लग जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये फिनाइल सैलिसिलेट बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि ये फिनाइल सैलिसिलेट बन के तैयार होगा, फिनाइल सैलिसिलेट। और प्लस क्या निकल जाएगा, एक H2 बाहर हो गया, ये बन गया फिनाइल, क्या बन गया, फिनाइल सैलिसाइलेट। फिनाइल सैलिसाइलेट जो हमारा बन के तैयार हुआ है, इसी को आप सैलोल के नाम से जानते हैं। इसका भी एक यूज है, कहाँ यूज है, इसी को जाने कहाँ यूज होता है, इट यूज कहाँ यूज होता है, एंटी पायरेटिक, फीवर किलर और एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह से यूज होते हैं, ठीक है जी। यानी कि इट यूज एज एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक की तरह से यूज होगा, और फीवर किलर भी कह सकते हैं, यानी फीवर को रिड्यूस करने के लिए काम हो सकता है, फीवर किलर, फीवर रिड्यूस, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज होता है। एंड ये एक एंटीसेप्टिक की तरह से भी यूज होता है, एंटीसेप्टिक मटेरियल की तरह से भी यूज हो सकता है। ये इसके सेलोल के यूज हैं, इस सेलोल के यूज हैं, क्लियर है। यानी फॉर्मेशन ऑफ सेलोल किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से, यानी कि जो हम जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है, 2-हाइड्रोक्सीबेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके यूज, यानी कि हम जो रिएक्शन करा रहे हैं उसको किस तरीके से समझें, आप उस चीज को समझें। अब यह फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहाँ यूज होता है, जो हमारा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन हम इसको बात कर रहे हैं, तो ये भी हम किससे बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड से ही बनाते हैं, यानी कि 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप क्या करें, मीथेनॉल के साथ ट्रीट करें, मीथेनॉल के साथ, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, एक एस्ट्रिफिकेशन टाइप का रिएक्शन होगा, एस्ट्रिफिकेशन टाइप का रिएक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में, थोड़ा एच एन डाल दीजिए, तो ये क्या होगा, मिथाइल, जैसे हमारा ऊपर फिनाइल सैलिसिलेट था, तो ये हमारा मिथाइल सैलिसिलेट बनेगा, यानी कि ये सी और ओ CH3 मिथाइल सैलिसिलेट बन गया, और क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल है, ये बाइपोर निकल गया। इस चीज को ही क्या कहते हैं, जो हमारा मिथाइल सैलिसिलेट जो बन के तैयार होता है, उसी को हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं। ये क्या बन के तैयार हुआ, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट बन गया, इसको हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है, क्लियर है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को समझें। इट यूज कहाँ होता है,
इट यूज इन जॉइंट पेन रिलीफ। जॉइंट पेन रिलीफ में यूज होता है। एंड यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है जी, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह से भी यूज होता है। फ्लेवरिंग एजेंट कहाँ हो सकते हैं, बहुत जगह यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का प्रिपरेशन, यानी कि इस तरीके से देखें तो जो हमारा रिएक्शन हुआ उसमें हमने रिएक्शन से क्या क्या काम किया, यानी कि एक जो कॉल्वे रिएक्शन है, कॉल्वे रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है। कॉल्वे रिएक्शन में यानी कि फिनॉल NaOH प्लस CO2 को ट्रीट कराइए तो हमारा बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट, जिसको एसिडिफाई कराइए सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। और मैक्रिजम में हमने क्या दिखाया, मैक्रिजम कैसे दिखाई कि हमारा फिनॉल प्लस NaOH सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल बनाता है, फिर इसको CO2 कराते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड यानी सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है, और इसको एसिडिफाई कराइए सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इस सैलिसिलिक एसिड के अपने ग्रोथ ग्रेट इंपॉर्टेंस हैं। क्या इंपॉर्टेंस हैं, ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसन्स, जैसे लाइक कौन सी मेडिसन्स, एस्पिरिन, सेलॉल एंड ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। इसमें हमने बता कर दिया आपको फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसे हम कहते हैं। तो इसमें हमारा सैलिसिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कीजिए तो ये हमारा क्या काम करेगा, ये एक एसिड है, ये एसिड डेरिवेटिव है, एल्कोहल के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है तो वहाँ हमारा रिएक्शन कर रहा है। और ये एक एसिड हैलाइड के साथ भी रिएक्शन है तो ये हमारा एसिड के साथ पहले एल्कोहल के साथ रिएक्शन आसानी से कर सकता है तो वो बन गया। और इसका यूज क्या होता है, बॉडी पेन रिलीफ में यूज होता है और एक एनर्जेसिस की तरह से यूज करता है, मतलब एक बॉडी पेन रिलीफ में काम आता है। ठीक है जी, इस तरीके से कहेंगे। और दूसरा हमारा फॉर्मेशन ऑफ द सैलॉल में यूज होता है, कौन, सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें सैलॉल, जैसे हमारा सैलॉल है क्या, इसमें फिनॉल और ये तो एल्कोहल फिनॉल आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये फिनाइल सैलिसिलेट बन गया और ये फिनाइल सैलिसिलेट में हमारे सैलॉल खोलते हैं। इसका भी यूज हमारा एंटी पायरेटिक यानी कि फीवर किलर में यूज होता है और एक एंटीसेप्टिक की तरह से यूज होता है, क्योंकि सैलॉल हमारा इस तरीके से कैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ विंटरग्रीन जो हमारा तीसरा यूज है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन तीसरे यूज में देख लें क्या है, सैलिसिलिक एसिड को मिथेनॉल के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये मिथाइल सैलिसिलेट बन जाता है, इसी को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं, जिसका यूज क्या होता है, जॉइंट पेन रिलीफ में यूज होता है और यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज हो जाता है। ठीक है, आई होप ये जो हमारी कॉल्वे रिएक्शन है ये आपको समझ में आई होगी। वीडियो क्लोज करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।